नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि अगर किसी को कान में दर्द हो गया, कान में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, कान में कीड़ा चला गया तब हो सकता है, कोई दाना चला गया तब हो सकता है, या पानी चला गया तब हो सकता है, या फिर आपको पस वगैरह आ रही है किसी को तब भी कान में दर्द हो सकता है। और कान का दर्द इतना भयंकर होता है दोस्तों, अगर किसी को रात को हो जाए तो नींद नहीं आने देता, यहाँ तक कि अगर बच्चों को हो जाए तो बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, मतलब रो रो के बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। तो ऐसे में मैं आपके साथ जो ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ, कोई आपको दवा नहीं लेनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी गए हो, इवन अगर आप कहीं बाहर भी गए हो तब भी ये आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, देखिए ये जो पेन है, अगर मान लीजिए किसी के गले में दर्द है, जैसे किसी को ठंड लग गई है, जुकाम खांसी हो गया, उसकी वजह से भी कई बार आपने देखा होगा कान हमारे भारी भारी हो जाते हैं और बहुत पेन भी करते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ये हमारा थंब है, मैं आपके साथ ऐसा पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो आपको सिर्फ 2 मिनट में ही आराम दे देगा। आप 2 मिनट करके देखिएगा, पहले आप 2 मिनट करना, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करना कि आपको आराम मिला या नहीं। तो इसके लिए जैसे हमारा ये थंब और ये वाली साइड, आप देखिए एक ये साइड है हमारी उंगलियों की तरफ, वो वाली नहीं ये वाली, तो इसमें जो ये हमारा यहाँ जॉइंट है सीधा इसके नीचे, ये देखिए यहाँ हम अपना अंगूठा रखेंगे दूसरे हाथ का और इसको इस साइड से दूसरी साइड से ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और ये देखिए ऐसे, मैं आपको एक बार दिखा दूँ ऐसे। तो यहाँ पे जब आप प्रेशर देंगे, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा मार्क करके भी दिखा रही हूँ, और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जिसको पेन है वो जब आप उसको यहाँ टच करोगे ना दोस्तों, तो वो खुद ही बता देगा क्योंकि वो चिल्ला उठेगा, इतना मतलब असर यहाँ पे उसको दिखेगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पे है ये पॉइंट, जो हमारा ये वाला जॉइंट है बिल्कुल जस्ट इसके नीचे है, तो यहाँ थंब रखिए, यहाँ से ऐसे आपको प्रेस करना है। तो क्योंकि हमारा थंब थोड़ा सा तो बड़ा होता ही है दोस्तों पॉइंट से, तो इसको ऐसे ये कवर कर लेगा इस एरिया को, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका पॉइंट होगा तो ये कवर कर लेगा। इस तरीके से आपने प्रेशर देना है, और प्रेशर नहीं दे सकते, बच्चा छोटा है, जैसे बड़ा है तो वो तो झेल लेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो प्रेशर नहीं दे सकते, तो आप ऐसे करके मसाज कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, और मसाज आप 30 सेकेंड कीजिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर 30 सेकेंड, फिर थोड़ा सा ब्रेक, तो ऐसे करके आप 2-2.5 मिनट कीजिए, और 2-2.5 मिनट में आप देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने मसाज करनी है, बहुत आराम मिलता है किसी भी वजह से आपके कान में दर्द हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय।